पहले की तरह जल्दी नहीं उठ पाती हूँ बेटा। अगर तुम्हें तकलीफ ना हो तो मेरे पास आओगे क्या? सरकार की तरफ से आपके लिए लेटर आया है। ये तो अच्छी बात है, इतने साल बाद सरकार ने जवाब तो दिया। बुरा मत मानना, इसमें क्या लिखा है वो पढ़कर सुना सकते हो क्या? पढ़ो बेटा। चार साल पहले जो खत भेजा था वो बेकार नहीं गया? विधवा पेंशन के अलावा आपको वृद्धा पेंशन, 1000 रुपए पोस्टमैन के द्वारा आपको हर महीने दिया जाएगा। मुझे माफ कर दीजिए। ऐसा मत बोलिए माँ जी। मेरे पति की मौत के बाद मेरे दोनों बच्चे शहर चले गए नौकरी की तलाश में। उसके बाद इस बुढ़ापे में सरकार जो 1000 रुपए पेंशन दे रही थी उसी से मैं एक वक्त का खाना खा रही थी। महीना बदल जाता था लेकिन पैसा आना बंद नहीं हुआ। आपके जैसे ही एक नेक डाकिया मेरा घर ढूंढता और आकर मुझे पैसे देता था। लेकिन 4 साल पहले ही नियम बदल गए कि वही हमें अपना पैसा बैंक में जाकर लेना है। वही पैसा मैं खुद बैंक में लेने जाने वाली थी पर नीचे उतरते समय गड्ढे में गिर गई और मेरे कमर की हड्डी बुरी तरह से टूट गई। तब से मैं बिस्तर पर पड़ी हूँ, बहुत तकलीफ उठा ली। मेरा शरीर जो किसी काम का नहीं है उसमें जान क्यों चाहिए? मैं इस बारे में सोच ही रही थी कि तुम, लेकिन सही समय पर भगवान ने तुम्हें भेज दिया। अब तुम खुद अपने हाथों से मुझे 1000 रुपए दिया करो, मैं अपनी जिंदगी जी लूंगी बेटा। दादी अम्मा, डाकिया ने जो जुबान दिया था वो उसने पूरा कर दिया। दादी अम्मा, अब आपको 1000 रुपए मिल जाएंगे। 1000 रुपए मिल जाएंगे। बेटा, मुझे वहां तक लेकर चलोगे क्या? महादेश्वर से प्रार्थना करनी है क्या बेटा? अरे मुझे बहुत शर्म आ रही है, सब लोग देख रहे हैं। इसमें शर्माने की क्या बात है बेटा? मुझे नीचे उतार दो बेटा, मुझे छोड़ो ना बेटा, मुझे नीचे उतारो। अरे माँ जी, इतने बड़े पहाड़ पे चढ़ के जब लेटर देने आ गया तो पास के मंदिर में नहीं ले जा सकता क्या? सबकी मनोकामना पूरी करना, सबकी रक्षा करना। चाचा जी,
अंग्रेजों के बिछाए जाल में जब माधेश बुरी तरह से फंस गया तो उसे घसीट कर लाया गया। कई महीनों तक यातना देते रहे। उसके सभी साथियों को उसकी आंखों के सामने गोलियों से छलनी कर दिया गया। तब भी उसने किसी को नहीं बताया कि वो दस्तावेज कहाँ है। आखिर में जब वो हार गए तो मधेश की जुबान खुलवाने के लिए उसे यहां लाकर बिठाया गया। इस मिट्टी को और यहाँ की जनता को बचाने के लिए उसने इतना दर्द सहन किया, उसका सम्मान करने के लिए मैं यहाँ आया हूँ भाई साहब। उस दिन वो मरा नहीं, उसने एक और जन्म लिया। जो भी यहाँ पर आता है वो एक नया जन्म लेता है। माधेश के मरने के बाद कुछ ही दिनों में सरकार भाले के वार से मरा पड़ा मिला। वो भगवान बनकर सारी बुराइयों को मिटाता है। जंगल वासियों के मन में ये विश्वास बैठ गया है। वो अब भी विश्वास करते हैं और हमेशा विश्वास करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे। ये विश्वास कभी नहीं मिटेगा। माधेश्वरा, माधेश्वरा।